हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर लेसन फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो जैसे आप लोगों के मैथ में नंबर सिस्टम होते हैं, वैसे कंप्यूटर भी में भी नंबर सिस्टम होते हैं। और इन नंबर सिस्टम को हम न्यूमरल सिस्टम या सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के नाम से जानते हैं। और ये एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर को नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी वैल्यू हम उसमें सेव करते हैं या इनपुट के तौर पर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए एक डिफाइंड नंबर सिस्टम होता है। व्हेन वी टाइप सम लेटर्स और वर्ड्स द कंप्यूटर ट्रांसलेट देम इन नंबर्स एज कंप्यूटर विच कैन अंडरस्टैंड ओनली नंबर्स। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द पोजिशनल नंबर सिस्टम विच हैज ओनली अ फ्यू सिम्बल्स कॉल्ड डिजिट्स। दिस सिम्बल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर। तो जब भी हम किसी लेटर या वर्ड को हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर उनको नंबर्स में ट्रांसलेट कर देता है, क्योंकि कंप्यूटर को केवल नंबर्स की भाषा समझ में आती है। और उसके पोजिशनल नंबर सिस्टम में केवल कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम डिजिट कहते हैं, और यही डिजिट्स जो है अलग अलग वैल्यूज को डिफाइन करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स। द बेस इज रिटन आफ्टर द नंबर एज सबस्क्रिप्ट। वी यूज द बेस 10 फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम। अदर कॉमन नंबर सिस्टम्स इंक्लूड बेस 16 फॉर हेक्साडेसिमल, बेस 8 फॉर ऑक्टल एंड बेस 2 फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उनको हम बेस कहते हैं। और बेस को सबस्क्रिप्ट के बाद हम लोग लिखा करते हैं। जैसे डेसिमल नंबर के लिए हम लोग बेस 10 का यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल के लिए 16 का, ऑक्टल के लिए 8 का और बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए 2 का। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। कंप्यूटर सपोर्ट द फॉलोइंग नंबर सिस्टम: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पहले बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। क्लियर? और इन्हीं 0 और 1 में को हम अलग अलग नंबर्स या अलग अलग इंफॉर्मेशन को डिनोट करते हैं इन्हीं बाइनरी नंबर सिस्टम से, 0 और 1 से। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसका जो बेस होता है वो होता है 10। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होती हैं, 0 से लेकर 7 तक, और इसका बेस होता है वो होता है 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, 0 to 9 होती हैं पहले स्टार्टिंग की 10 डिजिट्स के लिए, उसके बाद फिर हम A to F रिप्रेजेंट करते हैं आगे की डिजिट्स के लिए। एग्जाम्पल, हेक्साडेसिमल जो होगा हमारा जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्लियर? अब 9 के बाद हमारी आती हैं A, B, C, D, E एंड F। क्लियर है? अब काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। 16 हुआ तो इसका बेस हो जाता है क्या? 16। क्लियर? जहां आपका 0, 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद 11 को डिनोट करने के लिए हम A का यूज करते हैं, 12 से B, 13 से C, 14 से D एंड 15 से E, 16 को F से। सॉरी, ये
ये जो है 9 तक हो गया। अब ये जो ए होता है 9 के बाद जो 10 आता है, 10 ए से होता है, ये 11 है, ये 12 है, 13 है, 14 है एंड 15 है। इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूमेरिक वैल्यू 0 टू 9 तक तो हो गए। उसके बाद हम ए से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए हमारा 10 के लिए है, बी हमारा 11 के लिए, सी हमारा 12 के लिए, डी हमारा 13 के लिए, ई हमारा 14 के लिए, एफ हमारा 15 के लिए। और ये जो थे ये हमने टोटल काउंटिंग की, ठीक है, 16 काउंटिंग तक आई थी, तो हमारा बेस कितना हो गया 16। क्लियर है। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। किसी एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर हम दूसरे बेस में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये हमारे कन्वर्जेंस है कुछ, तो इसके लिए हम एग्जांपल्स लेंगे। अब जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को हमें किसी बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ एग्जांपल दिया हो 1354 टू द बेस 10, ये हमारा बेस है जो ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं बेस। डेसिमल नंबर का बेस हमारा 10 होता है। अब हमसे बोला गया है कि 1354 को बेस से हम पहचान सकते हैं कि वो हमारा कौन सा नंबर सिस्टम, बेस 10 है तो डेसिमल है, को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। क्लियर है। अब बड़े से हमें छोटे में जाना है तो हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। जब 2 होता है तो हमने ये किया और यहाँ पे लिख दिया हमने 1354, ये जो हमारा नंबर था, एक ये हमने कर दिया। क्लियर। अब 2 से इसको डिवाइड करिए तो 26 जो 12, 1 कैरी गया 15 हो गया, 27 जो 14, 27 जो 14, पूरा का पूरा चला गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो यहाँ पर रख दीजिए 0। क्लियर। उसके बाद फिर 2 से करिए, 23 जो 6, 23 जो 6, 28 जो 16, एक कैरी हुआ यहाँ पर बच गया, एक रिमाइंडर हुआ। फिर 2 से किया 16, 9, 0 आया। फिर 2 से किया 8, 4, तो 1 आया रिमाइंडर। फिर 2 से किया 42 आया, कोई रिमाइंडर नहीं तो 0 लिख दिया। फिर 2 से किया 21 आया, कोई रिमाइंडर नहीं 0 लिख दिया। फिर 2 से किया 10 आया, रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है, 1 लिख दिया। फिर 2 से किया 5 आया, रिमाइंडर हमारा 0। फिर 2 से किया 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर 1। फिर 2 से किया 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर 0। तो अब हमारे पास ये जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे और यूं हम लोग जाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमारा सबसे पहले क्या है, 1 है, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 0 हैं, फिर 1 है, फिर 1 0, फिर 1, फिर 0, ये हो गए हमारे, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे बेस लिख दिया 10। दैट मीन्स कि 1354 टू द बेस 10 की वैल्यू अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमें 234 बेस 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, क्लियर, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 234 लिख दिया। अब 234 के बाद ये किया और ये किया। क्लियर।
अब टू से डिवाइड करिए इसको, तो टू से जब हम डिवाइड करेंगे तो 117 आएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं, तो जीरो आ गया। फिर टू से किया, 58 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर वन बचेगा, ये वन क्लिक किया। फिर टू से किया, 29 टाइम्स गया, कोई रिमाइंडर नहीं, तो जीरो रख दिया। फिर टू से किया, 14 आया, वन रिमाइंडर बचेगा, ये रख दिया। फिर टू से किया, 7 टाइम्स गया, कोई रिमाइंडर नहीं, तो जीरो। टू से किया, 3 आया, वन रिमाइंडर बचा, यहाँ वन रख दिया। फिर टू से किया, 1 टाइम्स गया, वन रिमाइंडर आया, ये रख दिया। क्लियर। अब फिर हम लोग यहाँ से डाउन टू अपवर्ड्स जाते हैं, तो हमारा क्या आया, 111, 3 टाइम्स 1, 01010, 01010, ये आ गया। तो ये हो गए हमारी 234 टू द बेस 10 की बाइनरी में कन्वर्जन। क्लियर। इस तरह हम किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम को अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे हमारा ये, तो हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं। तो एग्जांपल क्या हमारा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 टू द बेस 10, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। क्लियर। अब ऑक्टल का बेस हमारा क्या होता है, 8 होता है, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया, फिर किया 8 से, अब हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो हमारा आया कितना, 1, 5, 4, 3 आया। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ रख दिया। फिर 10 8 से किया, तो हमारा इतना आया और रिमाइंडर हमारा बचेगा 7, तो ये 7 को यहाँ पे रख दिया। फिर 8 से किया, तो 24 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया हमारा 0। फिर 8 से किया, 3 टाइम्स किया, रिमाइंडर आया कितना, 0। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है ये 8 से छोटी है, इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते 8 से, तो फिर हमारा जो है यहाँ से इस तरफ हम लोग जाते हैं। ये जो लास्ट में बचती है इसको हम MSB कहते हैं, MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और LSB, ये जो पहला नंबर होता है हमारा सबसे ऊपर वाला रिमाइंडर, ये LSB होता है मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होता है MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 00 71 71 टू द बेस 8। क्लियर। ये हो गया आपका डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्जन। इसी तरह कोई भी नंबर हो अगर डेसिमल में दिया हो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अब जैसे ये हमारा दिया हो 1, 2, 3, 4, 5 टू द बेस 10, 1, 2, 3, 4, 5 बेस 10 दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का बेस जो है आपको लोगों को पता है कि 16 होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हमने लिखा, 16 से अब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 771। जब इससे इसको डिवाइड किया तो इतना आया और रिमाइंडर बचेगा 9, जो कि है हमारा LSB। फिर 16 से डिवाइड किया तो आया 48, रिमाइंडर बचा 3। फिर 16 से डिवाइड किया तो आया यहाँ पे 3, रिमाइंडर बचा 0। अब ये 3 हमारा 16 से छोटा है मतलब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते 16 से। ये चीज़ है हमारी जो लास्ट में बचती है, इसको हम कहते हैं MSB। अब यहाँ से MSB से LSB की तरफ हम लोग चलेंगे और जो भी वैल्यूज आई होंगी उन्हें लिख देंगे। तो 3039 आई वैल्यू टू द बेस 16।
और ये हो गया आपका डेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अदर बेसिस टू डेसिमल नंबर सिस्टम और आगे की कन्वर्जन सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।